हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी 4 रेसिपीज आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही जल्दी से बन जाती हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए सबसे पहले रेडी करेंगे एक मल्टीग्रेन आटा, जो कि काफ़ी हेल्दी है और आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं 15 से 1 महीने तक। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया 2 कप रोल्ड ओट्स। तो यहाँ पर इंस्टेंट ओट्स नहीं लेना है हमें, पूरा अच्छा फाइबर रिच 2 कप रोल ओट्स ले लेना है। और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप भुना हुआ चना, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ये भी बहुत ही हेल्दी रहता है। आप चाहें तो सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल करके इस फ्लावर को रेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे और हेल्दी बनाने के लिए इसके अंदर 1/4 कप फ्लैक्स सीड, जिसे हम लोग अलसी बोलते हैं, उसे ऐड कर सकते हैं। साथ ही में 1/2 कप तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इन्हें बैचेस में हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर इसको मिक्सी में डालकर हमें पीस लेना है। तो ये बहुत ही स्पेशल आटा है, आप इसे किसी भी चीज़ में मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे इसे हम बैचेस में पीस लेंगे और ये बहुत ही हेल्दी और शुद्ध प्योर मल्टीग्रेन आटा बनके रेडी हो जाता है। मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग जब मार्केट से मल्टीग्रेन आटा लेते हैं, काफ़ी पतला भी फाइन भी रहता है, पता नहीं चलता है ना उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे आप घर पे इंस्टेंट भी बना सकते हैं और आपको पता है कि आपने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें ऐड करी हैं। तो इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं 15 से 1 महीने तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्लावर बनके रेडी हो चुका है। इसको आप जैसे कि आप गेहूं की रोटी बना रहे हैं ना, तो उसमें पूरा अगर आपको नहीं इस्तेमाल करना है तो 3-4 स्पून आपने ऐड कर दिए गेहूं के आटे में और आराम से रोटी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मोटे अनाज की रोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब इसे बॉटल में फिल कर लेना है और ये ध्यान रहे जो आप फ्लावर जब इस पीसें तो बिल्कुल ठंडा रहे और बहुत देर तक हमें नहीं मिक्सी इसे ग्राइंड नहीं करना है बहुत देर तक, और बॉटल एकदम ड्राई रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। अब चलिए इसके आपके साथ हम रेसिपी शेयर करते हैं, बहुत ही इजी इंस्टेंट रेसिपीज़ हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रोटी, जो कि हम लोग रोटी तो हमेशा ही खाते हैं, तो रोटी बनाते हैं मल्टीग्रेन रोटी, बहुत ही हेल्दी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1.5 कप ये आटा इस्तेमाल कर लिया है। साथ ही में इसमें डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा नमक। इसको थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए थोड़ी इसमें वेजिटेबल, जैसे कि हमने बारीक कटी हुई पालक इसमें ऐड कर दी है। तो यहाँ पे 2 कप पालक हमने इस्तेमाल करी है। ध्यान रखना है कि इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना है। अगर आपको एंड में लगे कि बहुत ही ज़्यादा कड़ा आटा हो गया, तब 1-2 चम्मच पानी ऐड कर दीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में इसको अच्छे से दबा दबा के इसका डो बना लेना है। तो मैंने बिना पानी के इसका डो बना के रेडी कर लिया है। इसको रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, तो 2 टाकी अच्छे से सेट हो जाएगा और उसके बाद में इसकी रोटी बना के रेडी करेंगे। तो इस जितना हमने क्वांटिटी ली उसमें सिर्फ 3 रोटियां बन के रेडी होती हैं और ये रोटियां बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, डायबिटीज़ जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसे आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका खाने का टेस्ट, जो भुने हुए चने का टेस्ट आता है ना, उसकी वजह से रोटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा ज़रूर और हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। अब बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी 0 मिल्क शेक, जिसके अंदर दूध बिल्कुल भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये हेल्दी भी है, प्रोटीन रिच भी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है पीने में। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक मिक्सिंग जार में हमने डालने हैं 2 खजूर, जिसके हमने सीड्स निकाल दिए हैं। आप चाहें तो छुहारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरनाइट सोक नट्स हमने इस्तेमाल करें, पूरा मिक्स करा हुआ था, तो 1/2 कप नट्स हमने इस्तेमाल करें। 2 बड़े चम्मच हमने जो फ्लावर रेडी करा वो ऐड कर दिया और थोड़े से आइस क्यूब्स इसमें डाल दिया है। 2 कप पानी, इसको ब्लेंड करेंगे और हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी इंस्टेंट प्रोटीन रिच शेक बन के रेडी हो जाता है। इसको और भी ज़्यादा हेल्दी फिलिंग बनाने के लिए हमने इसके अंदर सोक चिया सीड्स ऐड कर दिए हैं 2 टेबल स्पून। और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको इतना लिक्विड नहीं चाहिए, थोड़ा सा और हैवी और फिलिंग बनाना है, तो यहाँ पे इसमें पानी की क्वांटिटी कम कर दीजिए और इसमें सोप नट्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दीजिए, फ्लावर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दीजिए। तो आप बहुत ही ज़्यादा इसको टेस्टी बना सकते हैं और काफ़ी हेल्दी रहता है, प्रोटीन रिच भी रहता है और इसको खाने के बाद में बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। तो आप इस रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, काफ़ी टेस्टी भी लगती है खाने में। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले बोल में 1/2 कप ने आटा ले लिया, जो मल्टीग्रेन आटा हमने रेडी करा है। साथ में 1/2 कप सूजी ले ली है
और इसके अंदर नमक डाल के इसको मिक्स कर लेना है। एंड में हमने ऐड कर दिया आधा कप बटर मिल्क, आप चाहें तो इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं, और 1/4 कप पानी ऐड करके हमें मिक्स कर लेनी सारी चीज़ें। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा हमें नहीं ऐड करना है। थोड़ी सी हमने बीन्स इसमें ऐड कर दी आधा कप के करीब, आप सब्जियाँ जो भी आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। और इस बैटर को अभी हमें रख देना है थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से सोक हो जाए, कि हमने सूजी ऐड करी है काफ़ी फूल जाती है, तो पहले थोड़ा सा आप देख सकते हैं अभी काफ़ी थिक बैटर है, तो 15 मिनट रखने के बाद में इसके अंदर लगभग 1/4 का पानी हम और ऐड कर देंगे, और एकदम लास्ट में इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे ताकि काफ़ी फ्लफी फ्लफी सा हमारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी होगा। आप चाहें तो इडली स्टैंड में इडली की तरह बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसे तवे पर भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, जैसा भी आपको शेप पसंद है, जैसा भी आप खाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं। तो 1/4 का पानी ऐड करने के बाद में सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, और जब आपने बेकिंग सोडा ऐड करा तो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में इसको तुरंत ही हमने बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो पैन को हमें, तवे को हमें ग्रीस कर लेना है और इस तरीके से इसमें डाल देना है। हल्का सा मोटा रखेंगे इसको, हम कवर करके रख देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखनी है, मीडियम लो फ्लेम पे इसे कवर करके रख देना है, जो ऊपर आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राई हो गया है। हल्का सा घी लगाएंगे और इसको पलट के 2 मिनट के लिए और हमें सेक लेना है। दोबारा जब पलटेंगे तब हमें इसे कवर करके रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारी बहुत ही टेस्टी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो जाता है, काफ़ी हेल्दी और टेस्टी भी रहता है। तो आप इस रेसिपी को भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम बनाने वाले हैं 5 मिनट में बनने वाला प्रोटीन आयरन रिच मल्टीग्रेन चीला। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले बोल में हमने आधा कप मल्टीग्रेन आटा ले लिया है, जिसको हमने बना के रेडी किया है। साथ ही में 1.5 कप बारीक कटी पालक इसमें ऐड कर देंगे। इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना, फ्रेश पेस्ट लहसुन का, साथ में थोड़ा सा नमक, 1/4 कप पानी। पानी डालते टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमने यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बैटर बहुत ही रनी हो जाएगा, फिर इसके जो चीले बनेंगे ना बहुत ही सॉफ्ट, वो खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे, क्योंकि हमने पालक ऐड करी है, पानी मिक्स, पालक में बहुत ज़्यादा पानी होता है। पहले इसको मिक्स करेंगे, पहले आपको लगेगा ना काफ़ी लिक्विड सा लग रहा है, लेकिन बाद में 10 मिनट के बाद में आपको लगेगा कि आटा जो ओट्स वगैरह है ना थोड़ा सा फूल जाता है, और यहाँ पे ओट्स वगैरह हमने ऐड करा है तो जो चीला बनता है थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहता है। अगर आपको थोड़ा सा फर्म चीला चाहिए तो इसके अंदर थोड़ी सूजी आप ऐड कर सकते हैं, या अगर आपका मन करे तो चावल का आटा ऐड कर सकते हैं, आरारोट ऐड कर सकते हैं, जैसा भी आप खाना चाहें, थोड़ा सा क्रिस्पी या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट। पैन को थोड़ा सा हमने ग्रीस कर लिया है, मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से बैटर को डालना है। आप देख सकते हैं बैटर थोड़ा सा थिक है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, और इस तरीके से इसको फैला लेना है। बहुत पतला थिन चीला बन के नहीं रेडी होता है, क्योंकि काफ़ी सारी पालक इसमें पड़ी हुई है, और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे, मीडियम लो फ्लेम पर। जब आपको देखेंगे ना ऊपर थोड़ा सा ड्राई हो गया तो इसे पलट देंगे, पलट के हमें दोनों तरफ थोड़ा सा घी आप चाहें तो लगा सकते हैं, इसको कवर करके नहीं पकाना है। तो हमारा बहुत ही टेस्टी हेल्दी आयरन रिच चीला बन के रेडी हो चुका है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो हमने फ्लावर रेडी करा है मल्टीग्रेन आटा उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। उसमें जो रोस्टेड चने का टेस्ट आता है ना बहुत ही टेस्टी लगता है, किसी भी चीज़ से आप इसे ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी होगी तो कुक विद शिवा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।